हाँ तो गाइस स्वागत है आप लोगों को वापस से एक और दस लोगों का गेम प्ले के अंदर। और भाई आज वाले गेम प्ले भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो इन तक जरूर देखना। और उसके साथ मैं बता देता हूँ, अपना रैंक जो है वापस 30 के अंदर लेकर आया और सर्वाइवल रैंक के अंदर भाई टॉप 10 के अंदर ही चल रहा है फिलहाल। तो रैंक तो भाई काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, मैं होप करता हूँ कि जल्दी से जल्दी टॉप 10 कर लूँ, क्योंकि देखो आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है तुम्हारे भाई का साथ, मतलब प्लस अच्छे खासे निकल रहा हूँ और किल भी अच्छे खासे निकल रहा है। तो भाई गेम प्ले इन तक देखना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे मैं खेलता हूँ। तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं जो है अभी फोर्थ जोन बनने वाला था, तो इस वजह से मैं जो है जोन की मिडिल ले लेता हूँ। अब जैसे जोन के मिडिल में आता हूँ तो पहले से ही भाई घर के अंदर कोई साला बैठ के कैंप मार रहा था। अब देखो इसके साथ फाइट लेता हूँ तो ये बंदा भाई काफ़ी घुमा रहा था, क्योंकि भाई इसको भी सर्वाइव करना था और मेरे को भी इसको मार के भाई इसका किल उठाना था, क्योंकि भाई देखो एक ही किल है। अब देखो किल लेने का टाइम ऐसे ही होता है, फोर्थ जोन के बाद आपको किल उठाना ही होगा, अगर किल नहीं उठाया तो प्लस भाई आप लोगों को ज़्यादा नहीं मिलने वाला। इस वजह से इस बंदे को मैं घुमा रहा था। अब घुमाते घुमाते ये बंदा भाई कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग चला रहा था, जिस वजह से इस बंदे को लगा कि इस घर के ऊपर चढ़ जाएगा और चढ़ने के चक्कर में ये बंदा नीचे गिर जाता है और मैं जो इस घर के ऊपर चला जाता हूँ, जिस वजह से मैं जो है भाई सेव हो जाता हूँ और ये बंदा भाई रिस्क में आ जाता है। और भाई इसको भाई बहुत ही आराम से मैं जो है मारने के लिए भाई फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ। देखो भाई ये बंदा जैसे नीचे जाता है तो भाई चारों ओर से नेट करना चालू कर देता है, हर एक खिड़की से भाई नेट करना चालू कर देता है, जिस वजह से मैं जो है थोड़ा बहुत रिस्क में आ जाता हूँ, क्योंकि ये बंदा एक साथ दो दो नेट कर रहा था और एक बंदा मतलब दो नेट जैसे ही करता है पहला नेट फूटते भाई एकदम से कुछ सुना ही नहीं देता, एकदम सुन हो जाता है, कारण जिस वजह से कुछ भी फूटते फूटते कुछ नहीं आता। तो फिलहाल ये बंदा उसी का फायदा लेते हुए एक ही खिड़की से दो दो नेट कर रहा था, लेकिन मैं किसी तरह भाई उसको अवॉइड करके बच रहा था नेट से। अब देखो भाई इधर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि भाई इसकी नेट से मेरे को सर्वाइव करना है। अब क्योंकि भाई देखो जोन लगने वाला है और ये जोन जो है डेथ जोन चालू हो जाएगा। अब जैसे इधर भाई चार कंपाउंड होता है तो भाई इधर कोई ना कोई आएगा बंदा कंपाउंड होल्ड करने के लिए, और जितने में बंदा आएगा उतने में भाई इस बंदे के साथ फाइट पहले होगा, क्योंकि ये बंदा ग्राउंड फ्लोर पे है और बंदा आके इसी के साथ फाइट लेगा। तो उस चीज का फायदा लेके मैं जो ऊपर से आराम से थर्ड पार्टी करके भाई बंदों को निपटा सकता हूँ। तो इस वजह से मैं जो इधर भाई कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहा था और ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा था, क्योंकि अगर रिस्क लूंगा तो भाई इधर मेरा पेटी बन जाएगा और जिसको भाई मिलेगा फोकट का एकदम माइनस। तो भाई अभी देखो 35 बंदे लाइव है और भाई जोन लगने वाला है। जैसे ही जोन लगता है मैंने जैसे प्रिडिक्ट करके रखा था वैसे ही होता है भाई, एक साथ चार पांच गाड़ी आ जाता है। फिलहाल तो भाई इधर सैक में एक बंदा था जिसको पर मैं रेंडमली स्प्रे देता हूँ, लेकिन बंदा जो है सैक के अंदर घुस जाता है। अब ये जो बंदा था भाई फिर भी नहीं मानता, इस वजह से भाई ये बंदा कंपाउंड से बाहर जाके मेरे ऊपर नेट करने का ट्राई करता है, पूरे कंपाउंड के बाहर जाके खुले में घूमता है। अब जैसे ये बंदा भाई बाहर जाता है तो पीछे स्नाइपर टावर पर भी एक बंदा आ जाता है और इस बंदे को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दे देता है, और जैसे ही इस बंदे को डैमेज देता है ना तुरंत मैं नीचे जाता हूँ और उसके बाद देखो क्या सीन बनता है। हाँ तो गाइस इस बंदे को बहुत ही आराम से मार देता और इसको भाई मनक तक नहीं लगता, क्योंकि भाई ये बंदा भाई सामने की तरफ देख रहा था जिसकी तरफ से इसको डैमेज पड़ता है। तो भाई इस बंदे को आराम से मार देता और इस बंदे को मारते मेरे राइट पे भी एक कंपाउंड में बंदा आ जाता है और वो बंदा भी भाई आके उधर बैठ जाता है, नेट वेट करना चालू कर देता है। अब देखो इस बंदे के ऊपर मैं जो नेट करता हूँ और बहुत ही प्यारा तरीके से एक किल निकाल लेता हूँ, और देखते जाओ बस। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई बहुत ही प्यारा तरीके से इस बंदे को मैं जो इधर निपटा देता हूँ। अब इधर इस बंदे को निपटाने के बाद मेरे ऊपर से कट जाता है जोन। अब देखो मेरे को जोन लेना है और जोन जो है एकदम ओपन ग्राउंड में पड़ता है। अब देखो जैसे ओपन ग्राउंड में जोन गिरता है ना भाई, आप लोग कभी भी जोन के मिडिल में जाने का ट्राई मत करना, क्योंकि अगर ओपन में जोन गिरता है और आप अगर जाके मिडिल पे बैठ गए हो तो भाई चार ओर से पहले जाओगे और चार ओर से आपका मजा लिया जाएगा। तो भाई मिडिल में जाने का भाई कभी मत सोचना अगर ओपन में जोन है। तो फिलहाल अगर मैं कॉर्नर लेता हूँ, अगर मैं एज लेके खेलूंगा तो मेरे को राइट या लेफ्ट इन दोनों साइड से ही पड़ने का चांस है, और मैं जो है जाते ही एक साइड ब्लॉक कर दूंगा। तो भाई एक साइड से ब्लॉक कर दूंगा, दूसरी साइड जो बंदा है उसके साथ फाइट लेके उसको मार दूंगा, तो भाई मेरा जो एज एकदम क्लियर हो जाता है। तो भाई आप लोग भी एज लेके खेलने का ट्राई करो अगर भाई ओपन ग्राउंड में जोन बनता है। तो फिलहाल मैं जो इधर आ जाता हूं, अब इधर आते ही भाई मेरे सामने से भाई एक के बाद एक गाड़ी जाता है और मैं जो है पहले जाता हूं। तो फिलहाल इधर एक बंदे का पहला किल उठाता हूं और दूसरे में भाई एक और बगी आता है।
अब देखो इस बंदे का भाई, मैं जो है भाई टायर को ही निशाना कर रहा था, क्योंकि बगी में थोड़ा मुश्किल होता है गोली लगाना, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। तो फिलहाल इस बंदे को मारते हैं, मैं जो इधर दो दो किल उठा लेता हूँ। इधर आते ही तो भाई जैसे ही भाई जोन छोटा होता है ना, उतने में भाई आप लोग किसी भी तरह से जोन के अंदर पहुंचने का ट्राई करो, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट करोगे तो आपको भाई घुसने का कोई चांस ही नहीं मिलने वाला जोन के अंदर। तो भाई ये बातें ध्यान रखना। फिलहाल मैं जो इधर आके बैठता हूँ तो उतने में और दो गाड़ी आता है इधर। तो फिलहाल ये बाकी तो भाग जाता है, लेकिन उतने में एक और गाड़ी आता है जो कि सामने आकर रुक जाता है। अब देखो इस बगी वाले के ऊपर मैं तो स्प्रे देता हूँ, लेकिन ये बगी वाला एकदम कवर में आ जाता है, जिसकी वजह से मैं जो इसको नहीं मार पाता। उतने में एक और भाई बंदा आ जाता है। अब भाई ये जो बंदा था भाई एकदम ही भाई उधर आके बैठ जाता है। अब दोनों बंदा आपस में एकदम चिपक के बैठ जाता है, लेकिन दोनों बंदा आपस में फाइट नहीं लेता, लेकिन थोड़ी देर में ये दोनों बंदा शायद फाइट लेगा। लेकिन मैं जो है जोन बनते इधर से निकल लेता हूँ स्मोक करके, क्योंकि भाई अगर इधर रहूँगा तो मेरे को जोन का एंट्री नहीं मिलने वाला। अब देखो जोन के अंदर जैसे निकलता हूँ ना भाई, कतई भाई इतने ज़्यादा बंदे इतना क्लोज सील्ड बना के बैठा है ना, कोई किसी के ऊपर ना नेट करता है ना फाइट लेता है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि बंदे के पास नेट नहीं है, कि बंदा चाहते ही नहीं है कि फाइट हो। तो भाई देखते जाओ, मतलब बस मैं जो इधर से बगी लेकर निकल और बंदे गिनते जाओ, मतलब भाई कितने करीब करीब बंदे बैठा हुआ है था, मतलब भाई एक एक नेट में दो दो बंदा फूटेगा, इतना करीब करीब दो दो बंदा करके बैठा हुआ है। तो फिलहाल भाई इधर रोटेशन लेते वक्त मैं कहाँ रुकूँ यही सोच रहा था, लेकिन भाई रुकने के लिए मेरे को जोन का एज चाहिए, और एज जो है ऊपर की तरफ भी है, और ऊपर जाता हूँ तो मेरे को मिल भी जाता है एक अच्छा सा कवर। तो भाई फिलहाल इधर आ जाता है और मेरे को जोन का अच्छा खासा पोजीशन मिल जाता है, और मेरा बगी जो है भाई ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही एकदम पोजीशन के हिसाब से तैयार हो जाता है। तो फिलहाल मैं जो इधर आके बैठ जाता हूँ, और इधर बैठने के बाद मेरे को भाई नीचे की तरफ दो बंदा स्पॉट होता है सिर्फ इससे। भाई मेरे को पता है कि ये जोन जैसे ही टच होगा तो भाई बहुत ज़्यादा बंदे कम हो जाएगा, और मेरे को जो ईजी टॉप फाइव के अंदर पहुँचा देगा। तो मैं जो इधर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में सोच रहा था, और नीचे की जो दो तीन बंदा अगर भाई दिखता है तो उनको भाई मार के मैं जो इधर खिल उठाने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा कवर मिल गया। और आपको अगर अच्छा खासा कवर मिल जाएगा तो भाई किल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरे को जो इधर बगी होते हुए दिखता है। अभी ये बंदे के ऊपर मैं जो है ज़्यादा गोली टच नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से बंदा इधर बच के निकल जाता है। अब जो इधर भाई जोन मेरे ऊपर से हट जाता है, और मेरे को जो जोन में निकलना होता है, लेकिन उससे पहले ही मेरा बाकी फोड़ दिया जाता है इधर भाई, एकदम ही गंदी तरीके से फोड़ देता है एक बंदा गोली चला के। तो फिलहाल वो बंदा भाई राइट में गाड़ी के पास बैठा हुआ है, और मेरे को जो जोन में निकलना है तो मेरे को ये बंदे को मार के ही जाना होगा, क्योंकि ये बंदा मेरे को जाने नहीं देगा, इतना तो मेरे को पक्का कन्फर्म था। इस वजह से मैं जो सोच रहा था कि इस बंदे को ख़त्म करूँगा उसके बाद ही जोन में जाऊँगा, लेकिन उतने में नीचे साइड एक और बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि सील के बाहर से उसको दिखाई दे रहा था। तो इसको भाई दो तीन गोली चिपकाता, उतने में बंदा सामने से एक और सिर लगा लेता है, तो इस वजह से बंदा इधर सर्वाइव कर लेता है। अब देखो ये राइट वाला बंदा जो है मेरे साथ फाइट लेने के लिए आ जाता है, मैं देता हूँ इसके ऊपर स्प्रे, लेकिन भाई बंदा फिर भी मेरे को पेल देता है। अब देखो मेरे को इधर कुछ भी कमेंट नहीं करना। फिलहाल आप लोग अगर वीडियो देख के थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, गेम प्ले को देख के अगर पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। फिलहाल तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट गेम प्ले लेकर वापस। बाय गाइस।